नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 13 टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन होने वाले जो फ्रॉड है उनसे आप बच सकते हैं। तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। तो पहली टिप यहाँ पे ये है कि आप हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स को सुरक्षित रखें। उनको आप कहीं भी ऐसे ही ना छोड़ दें, आपका क्रेडिट कार्ड कहीं पड़ा है, आप हमेशा उनको सुरक्षित रखें। इसके अलावा जो दूसरी टिप है वो ये है कि अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आप रेगुलरली देखते रहें। कोई आपको लगता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो आप उसकी रिपोर्ट तुरंत अपने बैंक को करें और उन्हें बताएं कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुआ, कब हुआ। इसके अलावा जो तीसरी टिप है वो ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स को, किसी भी डिटेल को आप कॉल पे या फिर SMS पे, ईमेल पे किसी के साथ शेयर ना करें। हो सकता है आपको कॉल आए कि वो बैंक से बात कर रहे हैं, तो आपको किसी के साथ भी अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की कोई भी डिटेल, चाहे वो CVV नंबर हो चाहे एक्सपायरी डेट हो, आपको शेयर नहीं करनी है। इसके बाद चौथी टिप है कि आप हमेशा किसी भी वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। इसका पता लगाने के लिए यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम लिखा रहता है ऊपर, आपको उसके सामने सिक्योर लिखा दिख जाएगा, HTTPS के सामने आपको सिक्योर लिखा दिख जाएगा, तो आप उन्हीं वेबसाइट पे ट्रांजेक्शन करें। पांचवी टिप यहाँ पे ये है कि आप हमेशा किसी भी वेबसाइट पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके बाद आपका चाहे कोई भी अकाउंट हो, फ्लिपकार्ट का हो चाहे अमेजोन का हो, आपको लॉग आउट कर देना है, क्योंकि आपके अकाउंट में आपकी कार्ड की डिटेल जो है सेव रहती है, तो आपकी डिटेल्स को वहां से कोई भी चुरा सकता है। इसके बाद छठवीं टिप है कि आप कभी भी पब्लिक वाईफाई का प्रयोग करते हुए कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें। आप किसी साइबर कैफे में या कैफे में, मेट्रो स्टेशन पे, जहां पे भी आपको ओपन वाईफाई मिलता है, फ्री का वाईफाई मिलता है, आप उसका इस्तेमाल करें, कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें जहां से आपकी डिटेल्स, कार्ड की डिटेल्स, नेट बैंकिंग वगैरह चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद सातवीं टिप ये है कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू और उसके रेटिंग चेक कर लें, तभी उस पर आप ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि आजकल इतने फेक एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं जो आपके पैसे को चुराने के साथ साथ आपकी पर्सनल डिटेल्स को भी चुरा के मार्केट में बेच देते हैं। आठवीं टिप यहाँ पे है कि आप जब भी ATM से पैसा निकाल रहे हैं तो ATM मशीन के क्लोज खड़े होके अपना पिन नंबर डालें और साथ ही चेक कर लें कि जहाँ पे आपने कार्ड डाला है वहां पे कोई अदर एडिशनल डिवाइस तो नहीं लगाया हुआ है। कई बार होता है कि ATM मशीन में स्किमर डिवाइस लगा रहता है जो आपके कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड बना देता है और वहां से आपका पैसा निकालने के चांसेस जो है चोरी से वो बढ़ जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। नौवीं टिप यहाँ पर यह है कि कभी भी आप ATM मशीन में है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से हेल्प ना लें, ऐसे व्यक्ति से हेल्प ना लें जिसको आप जानते नहीं हो, और सुनिश्चित कर लें कि आप जिस ATM मशीन से पैसा निकाल रहे हैं वहां पे कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। दसवीं टिप यहाँ पर यह है कि अगर आप ATM मशीन से पैसा निकाल रहे हैं और ATM मशीन के अंदर आपका कार्ड रह गया है, निकल के नहीं आ रहा, तो आपको हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद भी आपका जो कार्ड है निकल के नहीं आया, तो ऐसे में आपको अपने कार्ड इश्यूअर बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन उनसे कॉन्टेक्ट करके अपने कार्ड को ब्लॉक करा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कार्ड बाद में आता है तो आपकी जो डिटेल्स है वो लीक हो सकती है और पिन कोड किसी कैमरे की मदद से आपका चोरी भी किया जा सकता हो, पुरानी ATM मशीन का इस्तेमाल भी ना करें। ग्यारहवीं टिप यहाँ पे ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑन ना करें जब तक कि आप कहीं बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि जब भी आपके कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो ऑन होते हैं तो आपके कार्ड से पैसे चोरी होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट पे विजिट करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वहां पे हम CVV डालने के बाद ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, वहां पे OTP या फिर पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों बारहवीं टिप यहाँ पे ये है कि अगर आपका जो कार्ड है वो कॉन्टेक्टलेस कार्ड है, यानी कि आपके कार्ड पे वाईफाई का साइन बना हुआ है उल्टा, तो आप उस कार्ड को बेहद संभाल के रखें, क्योंकि ऐसे कार्डों से पैसा चोरी होने के लिए आपको न पिन डालना पड़ता है, सिर्फ मशीन से आपको कार्ड को टच कराना होता है और आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। और तेरहवीं टिप यहाँ पे ये है कि आप अपने अकाउंट का बैलेंस रेगुलर चेक करते रहें। कई बार क्या होता है कि आपको SMS नहीं आता है और आपको पता नहीं चल पाता कि आपके अकाउंट से पैसा भी कटा है, तो ऐसे में आपके अकाउंट या कार्ड पे हुए फ्रॉड ट्रांजेक्शन को ट्रेस करने में काफी देर हो जाती है और मुश्किल हो जाता है पता करना कि पैसा जिसने चुराया है वो आदमी आपकी पहुंच से बाहर चला जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि आपके अकाउंट का जो बैलेंस है उसको रेगुलरली आप चेक करते रहें।
इसके अलावा मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगा कि आप अपने फोन के अंदर कोई भी रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड ना करें, जैसे कि एनी डेस्क हो गया, टीम व्यूअर हो गया, और इसका एक्सेस किसी भी अननोन आदमी को ना दें, जिससे वो आपके फोन की स्क्रीन को एक्सेस कर पाए। ऐसे में फ्रॉड के आजकल बहुत ज्यादा केस रजिस्टर हो रहे हैं कि आपका पैसा जो है वो रिमोट एक्सेस ऐप से चुराया जा रहा है। तो यही सारी जानकारी थी, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने का कोई भी चांसेस नहीं रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप सिर्फ इन बातों का ध्यान रखें, आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पैसा कमाने में ऑनलाइन, तो आप नोस्ट्रा प्रो ऐप डाउनलोड करके आप उसमें गेम्स की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आपको कोई भी गेम पसंद है, क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस, जिसमें आपकी रुचि है, आप उसमें सिंपल से क्वेश्चंस को आपको प्रिडिक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे, आप उन्हीं पैसों को लगा करके वहां से आप अच्छा खासा पैसा जीत सकते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वो एक बार चेक कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें टेक्निक।